चंपावत जिले के बनबसा स्थित सेना कैंप में आगामी 1 नवंबर से अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कुमाऊं मंडल के 2 जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ की 4,355 अभ्यर्थी भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। इस भर्ती रैली में अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, SKT, अग्निवीर ट्रीटमेंट 10G और अग्निवीर ट्रीटमेंट 8G के लिए भर्ती की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि भर्ती के लिए फौज के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जो SDM साहब कनकपुर के हैं वो उसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो लगातार फौज के साथ समन्वय कर रहे हैं और जो सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएं हो सकती है वो हम सुनिश्चित करेंगे ताकि भर्ती जो है बिल्कुल निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से हो सके। तो माने जो प्रयास करेंगे जितना हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे कोई वाहन की सुविधा है या कोई रात्रि में विश्राम की सुविधा है, तो वो हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन की ओर से उनको सुविधा प्रदान हो सके। भर्ती केंद्र पिथौरागढ़ के निदेशक कर्नल मेलगे राहुल ने बताया कि भर्ती में प्रतिदिन 1,000 से 1,500 अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के दौरान 10वीं की अंकतालिका, 12वीं की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, NCC प्रमाण पत्र, रिलेशन गजट, राज्य राष्ट्रीय खेल, अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्रों के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा।